स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले एमओडी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एमओडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत की बीईएल के साथ। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 1075 करोड़ का है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के जो भी T90 टैंक्स हैं उनमें नए थर्मल इमेजर कम डे साइट है कमांडर्स के लिए, वो लगाए जाने हैं। तो यहाँ पर जो टोटल टैंक होंगे जिनमें ये सिस्टम लगेगा वो 957 के अराउंड रहेगा। जहाँ तक इस साइट की बात जाती है, जो कि थर्मल इमेजर कम डे साइट है, इसके ट्रायल ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं, डेवलप किया इसको DRDO BEL ने मिलके। और ये एक मिड वेव थर्मल इमेजर है, यानी कि MWIR है। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ नाइट विजन ही नहीं, ये आपके आसपास के सराउंडिंग की जो थर्मल एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए कॉम्बैट कर सकता है। नाइट विजन में पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपको कम से कम थोड़ी सी जो प्रकाश है वो चाहिए होती है, थर्मल इमेज में वैसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सरफेस से एमिट होने वाले जो भी आपका थर्मल स्पेक्ट्रम है उसको ये साइट फॉलो करेगा, डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे आपके जो भी अभी T90 टैंक हैं इनमें नाइट में कॉम्बैट करने के लिए इमेज कन्वर्टर ट्यूब की साइट है वो दी गई है, यानी कि ICT पे बेस्ड जो साइट है वो यहाँ पे दी गई है, जिनको आप रिप्लेस करने जा रहे हो DRDO के थर्मल साइट से। यहाँ पे जो आपका इमेज कन्वर्टर ट्यूब है ये एक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होती है, जो कि आपको हेल्प करती है जो भी आसपास की लाइट है, जो कुछ भी थोड़ी बहुत लाइट है, उनका उपयोग करके एक इंटेंसिफाइड इमेज आपको देने में, मतलब लो लाइट की कंडीशन में इमेज को इंटेंसिफाई कर देता है, जो कि हम अभी भी बात कर रहे थे नाइट विजन की। तो कहीं नहीं कि जो आपका थर्मल साइट है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा आपके एनमी को पकड़ने में, चाहे आसपास ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो या फिर सामने कोई एनमी का टैंक हो, तो इन सभी से एमिट हो रहे जो IR स्पेक्ट्रम है उनको ये डिटेक्ट कर पाएगा। तो रेट्रो मॉडिफिकेशन साइट की जल्दी की जाएगी, क्योंकि डील साइन यहाँ पे कर ली गई है। थर्मल इमेजर की क्षमता की बात करते हो तो जो रेंज है, डिटेक्शन रेंज, वो 8 किलोमीटर तक जा सकती है। एक बार आपको टारगेट मिल गया तो तुरंत ही जो आपका LRF है, यानी कि लेजर रेंज फाइंडर, वो छोड़कर एग्जैक्ट जो दूरी है वो आप नाप सकते हो, जिसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर के अराउंड है। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो कहने की जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव रहेगी, और आप सक्षम रहोगे तुरंत ही टारगेट को डिटेक्ट करके एंगेज करके न्यूट्रलाइज करने में। यहाँ पे कुछ और पैरामीटर की बात करेंगे तो आपके पास जो 100 किलो क्षमता है वो ये देगा, मतलब एक टारगेट को आप जब फायर कर रहे होगे तो जब आपका दूसरा टारगेट होगा वो भी आप लॉक करके रखोगे वहाँ पे फायर करने के लिए। तो इस तरह की जो क्षमता है कहीं ना कहीं लद्दाख जैसे रीजन में आपको एक एक्स्ट्रा एज देने जा रहा है। और ये भी एक कारण है, जिस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, कोल्ड एनवायरनमेंट, उसको देखते हुए अगर आपके पास थर्मल साइट रहती है तो वो ज़्यादा वहाँ पे यूजफुल रहेगी। स्पेशली अब यहाँ पे MWIR का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कुछ जो डेटा है उसके आप उम्मीद कर सकते हो, जहाँ पे एक्यूरेसी होगी वो 3-5 मीटर के अराउंड रहने वाली है। और टैंक्स के लिए जो रेंज है LRF के साथ वो 5 किलोमीटर की है, और जो इसका पावर कंजम्पशन है वो 60 वॉट का है। इसी में हम बात कर लेते हैं यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया गया जो टर्किश TB2 है बैरकतार ड्रोन, वो रूस द्वारा यहाँ पे गिराए गए हैं, जिसके अभी यहाँ पे जो संख्या सामने है वो 9 से 10 के नंबर में गिराया गया है रूस के द्वारा। तो अपने आप में ये जो बैरकतार ड्रोन है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसको यूक्रेन को एक्सपोर्ट किया गया था 10 के नंबर में, और जो 48 एडिशनल है उनके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए थे। तो यहाँ पे इस UAV का फेल होना लगभग आप कह सकते हो कि तय था, क्योंकि फ्लाइट की जो परमिशन थी वहाँ पे अनपरमिसिव एनवायरनमेंट था, एयर स्पेस कंटेस्टेड था, तो कहीं के जो चैलेंज है वो आने थे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपके एडवर्सरी आपको टारगेट कर रहे हैं उनके IFF तुरंत ही आपका आउटलाइन कर देंगे और आप हिट कर दिए जाओगे। तो कुछ ऐसे जो कंडीशन है वो यहाँ पे TB2 के साथ हुई है, जिसमें यूक्रेन के जो भी इस तरह के टर्किश MALE थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया रूस के द्वारा। तो यूक्रेन रूस की जो कंडीशन है वो कैसे चल रही है हम सभी देख ही रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने भी जो अपनी मुस्तैदी है LSA और LSE पे दोनों जगह बढ़ा दी है। जो नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं LSE पे उनको बढ़ाया गया है, और जो पेट्रोल मिशन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो इम्प्रूव की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।